एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे एंड आई होप कि हमने जो पहले दो चैप्टर आपको पढ़ाए हैं द लिविंग वर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और एक बात और कि मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करने के लिए फोर्स नहीं करूँगी, बिकॉज अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप स्किप करके जा सकते हो। एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको एनसीईआरटी की हर लाइन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ एंड कुछ एडिशनल पॉइंट भी बता रही हूँ। और ये 11th एंड नीट के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता ज़्यादातर नीट में। और एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ, और आप एनसीईआरटी को पूरी तरह से रीड कर लें, ठीक है? एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इनफैक्ट आप रट लें पूरी एनसीईआरटी को। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गेट स्टार्ट इट विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं, ठीक है? सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही ह्यूमन ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कई बार ट्राई किया, ठीक है? इट वॉज वन डिस इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया डेट बेयर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। क्लासीफाई करने के लिए इसको मतलब बहुत बार ट्राई किया था पहले के ह्यूमन ने। तो जो क्लासीफिकेशन की क्राइटेरिया है साइंटिफिक तरीके की, आवर ओन बेस फॉर फूड आपका हो गया शेल्टर एंड क्लॉथिंग लाइक कॉमन यूज के नीड पर बेस्ड है, ठीक है? अब से पढ़ा भी होगा, मतलब पढ़ा क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। एंड सबसे पहले आपने एक मूवी भी देखी होगी जो 1974 में रिलीज हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान। तो जो ये रोटी कपड़ा और मकान होता है ये अपना ओन मेस होता है, ठीक है? सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे जीवन जीने के लिए, रहने के लिए, सब चीज़ के लिए हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो चलिए अब क्या दिया हुआ, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जो अरिस्टोटल हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर तैयार किया था कि ठीक है ऑर्गेनिज के क्लासिफिकेशन के साइंटिफिक बेसिस का यूज फर्स्ट टाइम अरिस्टोटल ने किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज शर्ब्स एंड हर्ब्स, ठीक है? उन्होंने प्लांट्स को क्या क्या सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पर ट्रीज शर्ब्स एंड हर्ब्स में क्लासीफाई किया था, ठीक है? ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज व्हिच हैड ब्लड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, ठीक है? इन्होंने क्या किया था कि ये उन्होंने एनिमल्स को रेड ब्लड के प्रेजेंट एंड एब्सेंट के बेसिस पर, ठीक है, क्लासीफाई कर दिया। जैसे कि जिसमें रेड ब्लड है उसको क्या नाम है, उसको इनाइमा बोल दिया, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है उसको इनाइमा बोल दिया। और इनाइमा में आपके जैसा ह्यूमन आ गए, हम लोग मतलब इनाइमा में ही तो आते हैं, हमारा ब्लड कैसा है, रेड कलर का ही तो है, हमारा ब्लड रेड कलर का ही तो है। एंड जिसमें एब्सेंट रेड ब्लड है उसको एनाइमा बोल दिया, ठीक है? जिसमें एब्सेंट रेड ब्लड है, जैसे कि आपका कॉकरोच हो गया, उसमें कहाँ रेड ब्लड होते, उसमें तो वाइट ब्लड होते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ एनसीईआरटी में। इन लीनियस टाइम में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वॉज डेवलप दैट इंक्लूडेड ऑल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है? लीनियस के टाइम में सभी प्लांट एंड एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए एक टू किंगडम सिस्टम डेवलप किया गया, ठीक है? एक टू किंगडम सिस्टम डेवलप किया गया था, ठीक है? This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. ठीक है, जिसमें उन्हें respectively plants and animals kingdom में classify किया था, ठीक है? इस system के according क्या हुआ था, इस system के according यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के बीच डिफरेंट, ठीक है? डिस्टिंग्यूश मतलब डिफरेंट होता, ठीक है? डिफरेंट करना इम्पॉसिबल था, ठीक है?
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स पर बेस्ड या क्लासिफिकेशन इजीली, ठीक है, आसानी एंड सरलता से, ठीक है, ईजली डन एंड ईजी से अंडरस्टैंड करने के बावजूद बहुत सी ऑर्गेनिज्म को इनमें से किसी भी कैटेगरी में रखना पॉसिबल नहीं था. ठीक है, किसी भी कैटेगरी में रखना पॉसिबल नहीं था. हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्यूएट. ठीक है, क्या हुआ, किसी कारण बहुत लॉन्ग टाइम से चली आ रही क्लासिफिकेशन की टू किंगडम सिस्टम इनडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, इनसफिशियंट जिसको बोलते हैं, इनसफिशियंट प्रूफ हो रही थी. ठीक है, इनसफिशियंट प्रूफ हो रही थी. बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज आल्सो फेल्ट टू इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल्स स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ फॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा. ठीक है, इसके अतिरिक्त क्लासिफिकेशन के लिए मॉर्फोलॉजी के साथ साथ सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ फॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करने की नीड फील की जाने लगी. ठीक है, उसको भी इंक्लूड करने की नीड फील की जाने लगी. क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंज ओवर द टाइम. ठीक है, ये जो टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम में अनेक चेंजेस आए. ठीक है, इनमें बहुत से चेंजेस आए. थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव बीन ए कंस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टैंड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की इन डिफरेंट सिस्टम जिनमें इंक्लूड ग्रुप ऑर्गेनिज्म में होने वाले चेंजेस शामिल हैं. इसके अतिरिक्त जो ऑर्गेनिज्म थे जुधारी के अदर किंगडम की नो एंड उनके नेचर, ठीक है, नंबर एंड उनके नेचर की डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग एक्सप्लेन किया गया. ठीक है, उसको अलग अलग एक्सप्लेन किया गया डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फिगर की बात करें कि फिगर में क्या दिया हुआ है. तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम. ठीक है, अब हम बात करेंगे करेक्टर्स की. ठीक है, फाइव किंगडम्स के करेक्टर्स की. ठीक है, तो जो एक आपको मैंने फाइव किंगडम बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, तो जो आपका मोनेरा है उसका सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक है. ठीक है, एंड प्रोटिस्टा का जो सेल टाइप हो यूकैरियोटिक है, फंजाई का जो सेल टाइप है वो भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी का जो सेल टाइप है वो भी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया का वो भी यूकैरियोटिक है. अगर हम सेल वाल की बात करें तो जो मोनेरा का सेल वाल है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड का, ठीक है, नॉन सेलुलोजिक है जिसमें पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, और प्रोटिस्टा में जो सेल वाल है प्रेजेंट इन सब कुछ में प्रेजेंट होते हैं. और फंजाई की सेल वाल की बात करें तो प्रेजेंट विद काइटिन के साथ ही प्रेजेंट होता है. एंड प्लांटी में प्रेजेंट सेलुलोज, ठीक है, और एनिमेलिया में सेल वाल एब्सेंट होते हैं. ठीक है, एनिमेलिया में सेल वाल एब्सेंट होते हैं. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, और फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट एंड एनिमेलिया में प्रेजेंट है. सिर्फ मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो मोनेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है, फंजाई में मल्टी सेलुलर एंड लूज टाइप का. ठीक है, इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर एंड लूज टाइप का है. एंड प्लांटी की बात करें तो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का भी और ऑर्गन लेवल का भी है. लेकिन जो आपका एनिमेलिया है इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का भी है, ऑर्गन लेवल का एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी है. ठीक है, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो आपका मोनेरा है ये ऑटोट्रॉपिक है. ठीक है, जिसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक प्रेजेंट होते हैं, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. ठीक है, जो ऑटोट्रॉपिक है इसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट है, और जो आपका हेटरोट्रॉपिक है उसमें सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक है. ठीक है, अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक है. ठीक है,
ऑटोट्रॉपिक मतलब जिसमें फोटोसिंथेटिक है एंड हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक दोनों। अगर फंजाई की बात करें तो ये हेटरोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक मीन्स सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है। अगर प्लांटिक की बात करें तो इसमें ऑटोट्रॉपिक मीन्स फोटोसिंथेटिक। अगर एनिमेलिया की बात करें तो ये हेट्रोफिलिक है, ठीक है, ये हेट्रोफिक है, ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। इसमें होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक दोनों प्रेजेंट है और भी प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले किंगडम की बात करेंगे भाई, चलिए हम यहाँ पे आते हैं, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर एच व्हाइट कर प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो मोने द किंगडम्स डिफाइन बाय हिम बेयर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसको इसके नेम के से मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया में डिफाइन किया गया, ठीक है, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। को मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन आप जान लीजिए, जो क्लासिफिकेशन की मेन क्राइटेरिया है वो आपकी सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सब पे डिपेंड है, ठीक है। ये आपकी मेन क्राइटेरिया है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन सबको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, CTMRP, ठीक है, CTMRP। सी से आपका हो गया सेल वॉल, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। टी से आपका हो गया बॉडी, इसका सुनिए पहले, CTMRP, ठीक है, ये आपका CTMRP हो गया। इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, CTMRP, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने एक बात बताना आपको भूल ही गए कि जो प्लांट्स क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आपका जो प्लांट्स क्लासिफिकेशन है इसमें टू करेक्टर्स होते हैं, एक वेजिटेटिव करेक्टर्स एंड एक सेक्सुअल करेक्टर्स, ठीक है। जो आपका प्लांट्स किंगडम है इसमें टू करेक्टर्स होते हैं, एक वेजिटेटिव एंड एक सेक्सुअल करेक्टर्स। अगर वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। जबकि सेक्सुअल करेक्टर्स की बात करें तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन है जिसको बेंथम एंड हुकर ने दिया, ठीक है, जिसको बेंथम एंड हुकर ने दिया। और आपको पता ही है कि हर एक जो प्लांट होता है, ठीक है, अगर प्लांट की बात हो रही तो पूरा बता तो दूँ, जो हर एक प्लांट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, बट हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट कभी नहीं होता। आपको मैंने बताया कि प्लांट्स किस टाइप का होता है, तो आपका जो हर एक प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक हो सकता है बट हर एक फोटोसिंथेटिक प्लांट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए यहीं पर हम खत्म करते हैं, आगे देखते हैं इसमें NCERT में क्या दिया हुआ है, इसको जान लेते हैं वरना आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो द थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय ए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो थ्री डोमेन सिस्टम था आपका, वो आल्सो प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू टू डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय ए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से आपका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात यहाँ पे आती है, जो आपका फर्स्ट तो लिनियस ने दिया ही है, ठीक है, जो आपका सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो टू किंगडम है, ठीक है, उसको किसने दिया, उसको कैरोलस लिनियस ने दिया। थ्री किंगडम सिस्टम जो आपका उसको हीकल, और फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड एंड फिफ्थ किंगडम सिस्टम आर एच व्हिटकर ने दिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर एच व्हिटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, ठीक है। एंड जो आपका सिक्स किंगडम सिस्टम है, ठीक है, जो अभी देखा ना आपने यहाँ पे सिक्स किंगडम सिस्टम है, तो जो आपका सिक्स किंगडम सिस्टम है उसको कार्ल बूझ रहे थे, ठीक है। इसके लिए आप कोई ट्रिक भी याद कर सकते हो, इनफैक्ट अभी मैंने खुद की कोई ट्रिक बनाई नहीं है तो आपको नहीं बता रहे, क्योंकि वैसे ही याद हो जा रहा है कि टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लीनियस, थ्री किंगडम सिस्टम हीकल, फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड, फोर किंगडम सिस्टम आर एच व्हिटकर एंड सिक्स किंगडम सिस्टम कार्ल बूझ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्या दिया हुआ NCERT में। लेट अस लुक एट द
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसीडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, क्या होता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? मैंने पहले ही बताया कि आर एच व्हिटकर ने दिया था। ईयरलियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन, एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। ठीक है, जो आपका ईयरलियर इस किंगडम के जो सभी ईयरलियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपके प्लांट्स में जो है इंक्लूड है, वो ब्लू ग्रीन, एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म को प्लांट्स में इंक्लूड किया गया। ठीक है, इन सबको प्लांट्स में इंक्लूड किया गया है। द करेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिक इंक्लूडेड हाइटेस्ट सेल वॉल इन देयर सेल दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस किंगडम के सभी ऑर्गेनिक की जो सेल्स में सेल वॉल की प्रेजेंट रहना, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट रहना एक इक्वलिटी थी, जबकि उनके अन्य करेक्टर्स एक दूसरे से एकदम अलग थे। ठीक है, इसमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट रहना एक इक्वलिटी थी इस किंगडम में, लेकिन जो इनके अन्य करेक्टर्स हैं एक दूसरे से एकदम से अलग थे। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स व्हिच बेयर यूकेरियोटिक। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अन्य के साथ डिवाइड कर दिया गया है। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टी सेलुलर वंस से फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइटोमोनास एंड स्पायरोगायरा बेयर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को एक अन्य यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ डिवाइड कर दिया गया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एंड के साथ डिवाइड कर दिया गया, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा को एल्गी में कर दिया गया। ठीक है, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स थ्रो दे आल्सो शोड ए करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वास कंपोजिशन द फंजाई एंड काइटिन। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में फंजाई लाइक हेटरोट्रॉफिक का एंड ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑटोट्रॉप्स के बीच, ठीक है, डिफरेंस नहीं किया गया, जबकि फंजाई की जो सेलवाल होती है वो काइटिन की होती है। ठीक है, आपकी जो फंजाई की सेलवाल होती है वो काइटिन की होती है, लेकिन जो आपके, ठीक है, फंजाई की सेलवाल काइटिन की होती है आपकी, लेकिन जबकि फंजाई की सेलवाल काइटिन की होती है एंड ग्रीन प्लांट्स जो आपके इसकी सेलवाल जो है सेलुलोज की बनी होती है। इन देयर वाल्स व्हिल द ग्रीन प्लांट्स हैड ए सेलुलोजिक वाल्स। ठीक है, वो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, इसकी सेलवाल सेलुलोजिक होती है। चलिए यहाँ से देखते हैं। व्हेन सच करेक्टरिस्टिक्स बेयर कंसीडर्ड द फंजाई बेयर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम फंजाई। ठीक है, इसको क्या किया गया है, इस क्लासिफिकेशन को इन्हीं करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फंजाई को एक सेपरेट किंगडम, ठीक है, किंगडम फंजाई में प्लेस किया गया है। ठीक है, इसको एक सेपरेट किंगडम फंजाई में प्लेस किया गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म बेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ साथ मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइटोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स विद पैरामीशियम एंड अमीबा व्हिच बी अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम व्हिच लैक सेल वॉल्स। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हैविंग सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल्स था लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, जिन्हें पहले प्लांट्स के अंतर्गत एल्गी में प्लेस किया गया है, एंड पैरामीशियम एंड अमीबा जिन्हें पहले एनिमल किंगडम में प्लेस किया गया, जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। ठीक है, इस प्रकार इस सिस्टम में अनेक ऑर्गेनिज्म को एक साथ पुट किया गया। ठीक है, अनेक ऑर्गेनिज्म को एक साथ पुट किया गया जिन्हें पहले की सिस्टम में अलग अलग
पुट किया गया था, ठीक है, जिन्हें पहले के सिस्टम में अलग अलग पुट किया गया था। इट हैज पुट टूगेदर ऑर्गन व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। द किंगडम्स बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऐसा जो आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया में चेंजेस के कारण, ठीक है, आपके क्लासिफिकेशन की चेंजेस के कारण, क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया में चेंजेस के कारण हुआ है। इस प्रकार के चेंजेस आपके, आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो चेंजेस हैं वो फ्यूचर यूज में, ठीक है, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। जो करेक्टर्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट पर डेवलप होगी, ठीक है, हमारी इम्प्रूवमेंट पर डेवलप होगी। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट इच आल्सो फाइलोजेनेटिक दैट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन की एक ऐसी सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया गया जो कि ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी पर बेस्ड हो बल्कि फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी बेस्ड हो, ठीक है, जो फाइलोजेनेटिक एंड रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी बेस्ड हो। थैंक यू।